नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग थंबनेल देखकर आए हैं तो बिल्कुल आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मेडिसिन के लिए विजुअल ऐड कैसे बनाते हैं। अगर सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको लगे सच में मैंने कुछ सिखाया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं इस टाइप की और वीडियो किसको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख, मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे फोटोशॉप की विंडो खुली हुई है। तो ये विजुअल ऐड हम फोटोशॉप पे बनाने वाले हैं, और मेडिसिन विजुअल ऐड के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे मैं बता दूँ, एक तो मेडिसिन बॉक्स का मॉकअप चाहिए होता है, प्रोडक्ट नेम और कंपोजिशन ज़रूरी होती है लगानी, उसके साथ साथ ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए आइडियल है वो भी दिखाना होता है। तो पूरा बताएंगे कैसे कैसे, क्या क्या, कौन सी चीज़ कहाँ एडजस्ट करनी है, देखते रहिए। जैसा कि मैंने एक बैकग्राउंड ले रखा है, और ये हमारे पास एक मॉकअप ये है और एक मॉकअप ये है। एक बॉक्स मेडिसिन बॉक्स मुझे ऐसा लगाना है और एक दो मेडिसिन बॉक्स ऐसे लगाने हैं। बॉक्स मुझे ऐसा लगाना है और एक दो मेडिसिन बॉक्स ऐसे लगाने हैं। और ये मेडिसिन बॉक्स के मॉकअप कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए भी वीडियो में कंप्लीट वीडियो एक बार। चलिए देखिए मैं कैसे इस मॉकअप में ये जिस मेडिसिन का बॉक्स है, मैं उसका जो प्रिंट बॉक्स पे जो प्रिंट आता है वो मैं कैसे लगाता हूँ। तो सबसे पहले एक मैंने सारी इमेजेस जो हैं बॉक्स के फ्रंट और साइड सब क्रॉप करके रख लिए हैं। तो फर्स्टली मैं एक बॉक्स है उसका मैं जो फ्रंट है वो ओपन कर लेता हूँ। बॉक्स की फ्रंट साइड के जितना छोटा कर लेते हैं इसको। छोटा करके इसकी ओपेसिटी जो है 50% करके, 50% इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जो पीछे का जो बॉक्स है उसकी साइड फ्रंट साइड जो है हमें क्लियरली दिखती रहे। अब कंट्रोल की प्रेस करके इसको बॉक्स के फ्रंट साइड पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसको बॉक्स के फ्रंट साइड पे एडजस्ट कर ले कुछ इस तरह से। एक बार जूम करके एडजस्ट करते हैं। एक बॉक्स की फ्रंट साइड तैयार हो गई है। अब इसकी टॉप साइड जो ये वाली साइड है उसको भी ओपन करते हैं। इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं बचा है। टॉप साइड ये रही। कंट्रोल जे करके लेयर को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद है अब मॉकअप में कंट्रोल टी करके इसको छोटा करेंगे कुछ इस तरह से। इसकी भी ओपेसिटी 50% कर लेते हैं। अब वही ये हमारा एक मेडिसिन बॉक्स जो है तैयार हो गया है। इसमें थोड़ी इफेक्ट लगा लेते हैं, जैसे कि इसकी फ्रंट साइड को हल्का सा बेवल कर देते हैं साइज 2 से 3 तक, और सॉफ्टन 10 पॉइंट तक। इस पे इनर शैडो अप्लाई कर देते हैं।
अपासिटी 50 ज़्यादा हो गई, 20 तक रखते हैं, और साइज 60 ए, साइज 50 कर देते हैं। इनर साइड हटा के लगा के, चलिए इनर साइड और रहने दीजिए, बेबल से ही अच्छा लग रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी कॉपी कर लेते हैं और इस पे भी वही प्रॉपर्टी। अब कलर ठीक है। अब ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया है। अब इसको हम अपना जो बैकग्राउंड हमने लिए रखा है उस पर ले जाते हैं और इसको ग्रुप कर लेते हैं और मर्ज ग्रुप कर देते हैं ताकि ये एक साथ रहे हमारा, बार बार हमको दिक्कत ना आए। अब इसी प्रकार दूसरा बॉक्स तैयार करते हैं। जो टॉप साइड है हमारी वो लगभग सेम है, लगभग क्या वो सेम ही है, तो हम इसका जो है टॉप साइड में कुछ नहीं करेंगे, फ्रंट साइड जो है हमारी उसको हटा देते हैं और फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं, बाद में डिलीट करेंगे। फ्रंट साइड जो दूसरा बॉक्स है उसकी फ्रंट साइड जो है ये दूसरे बॉक्स की फ्रंट साइड को हम ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल जे करके कॉपी करेंगे, कॉपी करके मॉकअप में ले आते हैं। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं उसके साइज के इतना। एडजस्ट हो गया है, पासिटी 100, ये हमारा दूसरा मॉकअप भी तैयार हो गया बॉक्स का और हम इसको हम यहीं से सेलेक्ट ऑल करते हैं। ग्रुप और ये डिलीट कर देते हैं इसका। ग्रुप और इसको भी इधर ले आते हैं। अब ये दो बॉक्स के मॉकअप तो हमारे पास तैयार हैं। अब बचा है हमारा तीसरा मॉकअप। अब तीसरा मॉकअप भी तैयार करते हैं। इसके लिए हम इसकी भी सारी साइडें जो हैं एक एक या दो दो करके ओपन करते हैं। पहले बड़ा वाला, अब आते हैं, अब इसको ले जाते हैं बिग फ्रंट पे। बराबर एडजस्ट कर लेंगे इसको। ये देखिए ये हमारा एक साइड आ गई है।
इसी तरीके से हम मतलब इस पूरे बॉक्स को, इस मेडिसिन बॉक्स को, पूरे बॉक्स को तैयार कर लेते हैं। अब हमारे पास इसकी टॉप साइड है, तो टॉप साइड को हम ओपन कर लेते हैं। और ये रही हमारी टॉप साइड, इसको जो है कंट्रोल जे करके कॉपी कॉपी करके फिर कंट्रोल टी कॉपी करके फिर कंट्रोल टी ये हमारी टॉप साइड भी तैयार हो गई है। देखिए हमारे बॉक्स बॉक्स हमारा जो है बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसकी स्ट्रिप भी एडजस्ट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे कि विजुअल एड जो बनाएंगे हम उसको दिखाएंगे फिर। तो इसकी स्ट्रिप के लिए ये है हमारे पास इसकी स्ट्रिप, और ये इसको जल्दी से क्रॉप कर लेते हैं। मेडिसिन बॉक्स है, इसका मॉकअप ओपन करेंगे और ये अब देखिए हमारा ये भी मॉकअप पूरा तैयार है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्लैक है पूरा। अब इसको हम जो है पूरा सेलेक्ट करके एक ग्रुप करेंगे और उसको जो है मर्ज ग्रुप करके अब इसको लेके चलते हैं। अब देखिए हमारे पास अब जो है मेन काम अब स्टार्ट होता है। वैसे मॉकअप जो है पहले अलग ही बना लिए जाते हैं विजुअल एड बनाने से पहले, तो अब हम विजुअल एड बनाना तैयार करते हैं। जैसे हमको ये तीन बॉक्स इसमें लगाने थे एक ही में, तो ये हमारा पहला बॉक्स रहा, इसको कुछ है इस तरीके से सेट करते हैं। इसको दूसरे को भी कुछ इस तरीके से सेट करते हैं, और ये तीसरा तीनों को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये इस तरह हो गया और ये इस तरह हो गया और ये इस तरह, इनको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं।
अब इसमें हम एक पंच लाइन ऐड करेंगे सबसे ऊपर, ये हमने पहले से ही टाइप कर रखा है तो सीधे कॉपी करते हैं, कॉपी और ये पेस्ट कर दिया हमने। पंच लाइन के बाद हमको इसमें ऐड करना है आइडिया लाइन, आइडियली ने ऐड कर लिया है। अब इसके बाद हमें ऐड करना है पूरा अरेंज करेंगे कैसे क्या करेंगे तो देखते रहिए। थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं फिलहाल जब तक, बाद में फिर रिसाइज करके अरेंज करेंगे। अभी हमको प्रोडक्ट नेम ऐड करना है इसलिए हम अब सीधे प्रोडक्ट नेम पे जाते हैं। इसका जैसे प्रोडक्ट नेम है इस दो जॉय, इस दो जॉय 50। उसके बाद इसका नेम है इस दो 100 और इसका नेम है बी गोर नाइट 100। और तीनों प्रोडक्ट की कंपोजिशन भी साथ में लिख लेते हैं। अब इसी तरीके से इसका कर लेते हैं सेल डे ना सेल टैग नेक्स्ट एपी 100 जी।
इसका भी इसी तरीके से सेल्ड, इसका भी इसी तरीके से सेल्ड सेल साई साइटेड
विजुअल एड बन के तैयार है। अब जो है हाँ बैकग्राउंड को थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। अब आप लोग ये देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।